नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड केशव। मित्रों, आज हम बात करने वाले स्वर्ण धारण करने के। स्वर्ण हमारी पहली भी वीडियोस रही हैं स्वर्ण धारण करने पे और उसके बेनिफिट्स के ऊपर कि आप जब सोना धारण करते हैं आपको क्या बेनिफिट्स आते हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है उस वीडियोस पे आपका। तो आशा करता हूँ इस वीडियो पे भी आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और अगर मेरे द्वारा आप कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ज़रूर करिए 8855917548 पर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं स्वर्ण धारण करने से लाभ क्यों मिलता है। देखिए, हमारी काफ़ी जब भी लोग हमसे कुछ लोग कंसल्ट करते हैं तो हम कभी कभी उनको एज अ रेमेडी बोलते हैं कि आप स्वर्ण धारण करिए, भले ही ज़रा सा धारण करिए, स्वर्ण धारण करिए। हमारी वीडियोस में भी अगर आपने देखा होगा तो तर्जनी उंगली पर स्वर्ण धारण करने का लाभ भी उसमें बताया गया है, और मैं खुद अपने तर्जनी उंगली में स्वर्ण धारण कर रहा हूँ। और स्वर्ण धारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं और क्यों स्वर्ण धारण करने से आपके जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। स्वर्ण धारण करने से और स्वर्ण दान करने से जीवन के समस्त जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाती हैं। स्वर्ण बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। स्वर्ण में बृहस्पति, मंगल और सूर्य, इन तीनों के गुण माने गए हैं, और ये तीनों बहुत पावरफुल प्लैनेट्स हैं। तीनों देवता हैं और ऐसे देवता हैं जिनको बहुत शुभ माना गया है। बृहस्पति अत्यंत शुभ, प्रभाकर, सूर्य नारायण साक्षात नारायण स्वरूप, विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप सूर्य नारायण, मंगल बल, आत्मबल, दैहिक बल, भौतिक बल, बल। तो ये बल, दैहिक बल, आत्मबल और शुभता बढ़ाने वाला धातु है। तभी कहा गया है सोना बहुत महंगा है, तभी सोना महंगा भी है। सोना, अगर आप सोने को धारण करते हैं, अपने तर्जनी उंगली में धारण करते हैं, तो इससे आपके नाम यश और आपके अंदर सहनशीलता बढ़ती है। आप जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए आपको भौतिक क्षमता की प्राप्ति होती है। मिडिल फिंगर में स्वर्ण पहनने से आपके अंदर जो एक आलस्य होता है ना, किसी भी काम को ना करने की जो एक शक्ति होती है ना, हर किसी के अंदर होती है, अरे बाद में करेंगे, डिलेस करना, वो ठीक हो जाता है, डिले नहीं करता व्यक्ति। तर्जनी में उंगली में अगर स्वर्ण धारण करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत प्रतापी, तेजस्वी बन जाता है, क्योंकि सूर्य की उंगली है। और इसमें एक और रेमेडी आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उस रेमेडी पे होगी, तर्जनी उंगली पर तीन धातुओं का छल्ला पहनने से क्या लाभ मिलता है। चलिए, रिंग फिंगर में पहनने से आपके यश में वृद्धि होती है। लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं, लोग आपकी बातों को सुनना, लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। बहुत लोग होते हैं कुंडली दिखाते हैं हमेशा, एक कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा होता है कि पंडित जी हम कितना भी लोगों के लिए कर लें, हम कितना भी अच्छे हो जाएं, पर लोग हमें सीरियसली लेते ही नहीं हैं। हम कितने भी ऑफिस में हम कितना भी प्रभाव डाल लें, पर लोग हमें लेते ही नहीं है सीरियसली। हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, लोगों पे हम प्रभाव ही नहीं डाल पाते। तो आपके लिए अपनी रिंग फिंगर में अगर आप सोने का छल्ला पहनेंगे तो आपके विशेष लाभ आपको ये देगा। छोटी उंगली में स्वर्ण पहनने से आपका बुद्धि तेज होता है। स्वर्ण गर्म धातु है। अगर ब्रोंकाइटिस है, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये शीतजन्य रोगों से अगर आप बहुत परेशान हैं, उसके लिए भी हमें कुंडली देखनी पड़ती है। तो उसमें भी अगर हम देखें कि अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है या फिर आपके कुछ प्लैनेट्स आपको शीतजन्य रोग दे रहे हैं, जैसे बेसिकली चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल होता है शीतजन्य रोग, सर्दी वाले रोगों के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो लाल धागे में चौकोर स्क्वायर गोल्ड का पीस या एक स्क्वायर गोल्ड का टुकड़ा अगर गले में लाल धागे में पहना दिया जाए, तो इससे उस बच्चे को जो भी ये डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, ये सब नहीं होंगे। ब्रोंकाइटिस, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शीतजन्य रोग, खांसी, जुखाम, सर्दी अगर बहुत जल्दी लग जाता है बच्चे को, तो आप ये उपाय करके देखिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। संडे की सुबह आप इसको बच्चे को धारण कराइए। और अगर आप खुद भी भाग्यशाली बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपको सीरियसली लें, आप बहुत भाग्यशाली रहें, फिंगर्स का तो मैंने बता दिया, थंब में जो है नहीं पहनना चाहिए गोल्ड को, फिंगर्स मैंने बता दिया, कमर से नीचे गोल्ड को नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट, जिन लोगों को भाग्यशाली बनना है,
किसी भी काम में जाएं, वो काम उनका सिद्ध हो, किसी भी फील्ड में हाथ डालें, वो काम उनको अच्छा फलित हो, अगर उनको अपने जीवन को अच्छा फलित रखना है, फॉर्चुनेट बनना है, बहुत भाग्यशाली बनना है, बहुत प्रतापवान बनना है, तो गोल्ड की चेन जरूर धारण करें, गोल्ड की चेन जरूर धारण करें। अगर मान लीजिए आप गोल्ड की चेन नहीं धारण कर सकते, तो एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा लाल धागे में गले में धारण करिए, और उसमें स्वस्तिक बना, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना हो। अगर आप ये चिन्ह भी धारण करते हैं तो इससे भी भाग्योदय होता है। अगर आप गोल्ड की चेन पहनते हैं तो ये आपके लिए अच्छा लाभकारी सिद्ध होती है। इससे आपको सूर्य, मंगल और बृहस्पति देवता की कृपा मिलती है, साथ ही साथ बुद्ध का भी इसमें कहीं ना कहीं अंश माना जाता है, इसलिए बुद्ध यहाँ पे बॉन्ड्स का काम करता है। चेन होती है वो बॉन्ड की तरह जोड़ने में, जो टाका लगाया जाता है, जो बॉन्ड होता है, वो कहीं ना कहीं बुद्ध से रिलेटेड है। तो यहाँ पर चार ग्रह आपको फेवर करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। मेरे द्वारा अगर आप पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, संपर्क करिए और अपने बहुमूल्य फीडबैक्स हमें हमेशा देते रहें। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। नमस्कार।